हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं दीपक और आप देख रहे हो दीपक चला यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप कभी बाइक या कार चलाते हो या फिर कोई भी व्हीकल चलाते हो तो दोस्तों ये वीडियो आपके काम आने वाला है, आपके फैमिली मेम्बर के, आपके दोस्तों के काम आने वाला है। दोस्तों, आजकल आपने बाइक या कार या कोई भी आपकी व्हीकल, कोई भी गाड़ी आपने साइड में पार्क की, क्या पता कहीं से पुलिस वाला आ जाए और आपको चालान काटने पड़े। तो दोस्तों, अभी हालत कुछ ख़राब हो गई और यहाँ पे बाइक या कार निकाल घर से बाहर निकालते समय यहाँ पे लोगों को डर लगने लगा है, यहाँ पे फाइन इतने बढ़ गए। दोस्तों, फाइन गवर्नमेंट ने बढ़ाए, यहाँ पे जो कुछ बढ़ते क्राइम हो गए या फिर बढ़ते जो इलीगल एक्टिविटीज़ हो गई थी उनको रोकने के लिए। पर दोस्तों, यहाँ पे आप कहीं पे भी बाहर चलते हो तो आपके साथ डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी है। मान लीजिए आपके पास कभी भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप इन हालातों में क्या कर सकते हैं? दोस्तों, यहाँ पे कुछ एक ऐसे एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट्स डिजिटली दिखा सकते हो। वो एक गवर्नमेंट का एप्लीकेशन है और जिससे दिखाए हुए डॉक्यूमेंट्स वैलिड रहेंगे। यहाँ पे ऐसी बात नहीं कि डॉक्यूमेंट्स के आप फोटो खींचो या फिर कहीं पे ड्राइव पे डॉक्यूमेंट्स ऐड करके रखो और वो वहाँ से आप दिखा दो तो वो वैलिड नहीं होगे। मैं आप लोगों को कुछ ऑफिशियल तरीके यहाँ पे इस वीडियो में बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओगे तो वो डॉक्यूमेंट्स वैलिड मान लिए जाएंगे और इसके थ्रू आप लोगों को ईजिली वहाँ पे जो लगने वाले चालान से आप बच सकते हो। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए दो तरीके है, एक है यम परिवहन एप्लीकेशन और दूसरा है डिजी लॉकर एप्लीकेशन। तो दोस्तों, यम परिवहन एप्लीकेशन में आप बस बाइक, कार या कोई व्हीकल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे दिखा सकते हो। इसमें आप डॉक्यूमेंट्स मतलब बाइक की या कार की या आपकी गाड़ी की RC, इसके बाद आप उसके ड्राइविंग लाइसेंस, यही कुछ डॉक्यूमेंट्स इस एप्लीकेशन से शो करवा सकते हो जो कि गवर्नमेंट का एप्लीकेशन है। दूसरे एप्लीकेशन की बात करने जाएंगे हम तो डिजी लॉकर एक गवर्नमेंट का, एक गवर्नमेंट ने ऑथोराइज बनाया हुआ एक गवर्नमेंट का एप्लीकेशन है डिजी लॉकर। इस एप्लीकेशन में आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, बाइक के ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, अपनी गाड़ी की RC हो गई, इसके साथ साथ आपके मार्कशीट जो कि आप वहाँ से दिखा सकते हो। एक्चुअल में वहाँ पे 1 GB का स्टोरेज आप लोगों को डिजी लॉकर में मिलता है। 1 GB के स्टोरेज में आप अपने डॉक्यूमेंट्स ऐड करके भी रख सकते हो जो कि फ़ोटो खींच के भी आप रख सकते हो, पर यहाँ पे फोटो खींचे हुए डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे वैलिड नहीं पकड़े जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को इशू डॉक्यूमेंट्स वाला एक ऑप्शन मिलता है, उस एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने आधार कार्ड को आप वहाँ पे फैच कर सकते हो। आधार बेस पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे फैच कर सकते हो जिसके थ्रू वो डाटा आप लोगों को गवर्नमेंट के थ्रू निकल के आता है और वो डाटा गवर्नमेंट के थ्रू डायरेक्ट वेबसाइट के थ्रू आता है गवर्नमेंट के, तो वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट दिखाए गए वैलिड होते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि डिजी लॉकर एप्लीकेशन को आप कैसे इंस्टॉल करें, डिजी लॉकर एप्लीकेशन को आप कैसे यूज़ करें, वहाँ पे आप अपना बाइक का RC या फिर ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ पे कैसे ऐड करें, आधार कार्ड कैसे ऐड करें, इस पर मेरा एक ऑलरेडी स्पेशल वीडियो है तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। मैं उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के एंड में आप लोगों को वहाँ पे एंड स्क्रीन में भी शो करवा दूंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों, वहाँ पे एंड स्क्रीन में जो वीडियो आएगा उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो वॉच कर सकते हो जिसके थ्रू आप लोग अपने डिजी लॉकर को यूज़ करना सीख जाओगे। जब मैंने एप्लीकेशन के बारे में रिव्यू दिया था, मैंने मेरा ओपिनियन बताया था, एप्लीकेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताई थी, तब वहाँ पे पासवर्ड डाल के लॉगिन करने का ऑप्शन थी। अब यहाँ पे इजीली थोड़ा होगा है, वहाँ पे आप अपना 4 डिजिट का पिन भी बनवा सकते हो और उस पिन के थ्रू इजीली लॉगिन कर सकते हो। तो दोस्तों, बस आप जाइए, वो वीडियो देखिए, ऊपर आई बटन में लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में, एंड स्क्रीन में, यहाँ पे वीडियो के स्क्रीन पे भी ये वो वीडियो शो हो जाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ मैंने हेल्पफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर की, ऐसी हेल्पफुल जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप लोगों को थोड़ी भी जानकारी अच्छी लगी होगी, मेरी मेहनत आप लोगों को समझ में आती होगी, तो इस वीडियो को आप अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया या फिर किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू शेयर करने की कोशिश करें जिससे उन लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अगर आप लोगों को ऐसी ही जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। बस आज के वीडियो में इतना है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।